YouTube पे आप बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते होंगे और बहुत सारे वीडियोस में उनके चैनल्स के आपको इंट्रो देखने को मिलते होंगे, यानी कि जो इंट्रो होता है उस इंट्रो में उनके चैनल का नाम आता है, कुछ विजुअल्स आते हैं और कुछ इफेक्ट्स के साथ वो इंट्रो बना रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और कई बार हमारे मन में भी आता है कि हम अपने चैनल के लिए भी एक अच्छा सा इंट्रो क्रिएट करें और ऐसा इंट्रो बनाएं जो कि हम अपने स्मार्टफोन से ही क्रिएट कर पाएं। कोई ऐसा तरीका आपको चाहिए तो वो तरीका क्या है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात वो ये है कि जो भी आप इंट्रो बनाओगे, आपका चैनल किसी भी कैटेगरी में है, तो जो इंट्रो आप बनाओगे, इंट्रो का जो टाइमिंग है, जो समय है, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का आपने इंट्रो बना दिया, वीडियो में लगा दिया, इंट्रो चल रहा है, चल रहा है। सिंपल सी बात है कि जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मैंने कोई इंट्रो बनाया हुआ है अपने खुद के चैनल के लिए, तो मुझे तो अच्छा लगेगा, अरे मेरा इंट्रो है, बहुत परफेक्ट है, लगा दो इसको, एकदम से चलने दो, उसके बाद आगे वीडियो देखी जाएगी। लेकिन होगा क्या कि जो आपके व्यूवर्स हैं, वो जब आपकी वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि 10 सेकंड 15 सेकंड का इंट्रो है, इंट्रो चल ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, फटाफट वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है इंट्रो की। तो इसलिए जब भी आप इंट्रो क्रिएट करो तो 6 सेकंड 7 सेकंड इससे ज़्यादा की मत रखा करो, आप इसके अंदर ही रखा करो। कहने का मतलब ये है, इंट्रो ऐसा होना चाहिए, इंट्रो आया, आपके चैनल का नाम आया, बस इंट्रो ख़त्म। ऐसा नहीं है कि कुछ घूम रहा है पूरा, एकदम लंबा चौड़ा चल ही रहा है, इंट्रो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा इंट्रो बनाइए, एक परफेक्ट, बस पता चलना चाहिए कि हाँ ये आपके चैनल का नाम है, ये इंट्रो है आपके चैनल का, बस दैट्स इट, कहानी ख़त्म, इंट्रो वहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रो को आप अपने स्मार्टफोन से ही बना सकते हो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि दो तरीक़ों से हम अपना इंट्रो बनाएंगे। एक तरीका, जो पहला तरीका है वो ये है कि हम इंट्रो के लिए बैकग्राउंड्स डाउनलोड करेंगे, वीडियो फॉर्मेट वाली जो बैकग्राउंड्स होती है वो हम फ्री में डाउनलोड करेंगे, जिस पे किसी भी तरीके का कॉपीराइट नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये है कि हमारा चैनल जिस भी कैटेगरी में है उसी कैटेगरी से रिलेटेड हम बैकग्राउंड पिक्चर्स डाउनलोड करेंगे और उस पे एक अपना सिंपल सा इंट्रो क्रिएट करके बनाएंगे। तो वो सब कुछ हम अपने फ़ोन से कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपल सा तरीका है कि जो भी हम इंट्रो के लिए जो भी वीडियोज़ डाउनलोड करेंगे, ठीक है, जो भी मतलब वीडियो कहने का मतलब है कि वो टेम्पलेट्स होते हैं, उसको टेम्पलेट्स बोलते हैं, तो उसको डाउनलोड करेंगे तो उसको हम एडिट करके इंट्रो बनाएंगे। तो एडिटिंग के लिए हम काइनमास्टर यूज कर सकते हैं, पावर डायरेक्टर, इनशॉट, या फिर VN एडिटर, या फिर और भी कोई अदर एप्लीकेशन आप यूज करते हो तो उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके थ्रू आप अपना इंट्रो क्रिएट करोगे। तो वो सारे स्टेप्स क्या हैं, मैं बस किसी भी एक वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में ये चीज़ें आपको बताऊंगा और इन स्टेप्स को आप किसी भी मोबाइल वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में यूज करके सेम तरीके से अपना इंट्रो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इन चीज़ों के अलावा जो भी मैंने अभी आपको बताया, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड पिक्चर्स हो गए और जो वीडियो फुटेज यानी कि टेम्पलेट्स हो गए, उसके अलावा अगर आप चाहो तो जीप फाइल भी यूज कर सकते हो। वो जीप फाइल होता क्या है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो में आगे आपको पता चलने वाला है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने चैनल के लिए इंट्रो बनाना सीखते हैं। सबसे पहले करना क्या है आपको कि अपने स्मार्टफोन में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे, उसके बाद उसके सर्च बॉक्स में टाइप करके लिखेंगे फ्री यूट्यूब इंट्रो। क्या लिखेंगे? फ्री यूट्यूब इंट्रो। जैसे ही ये लिख करके आप सर्च करोगे तो इधर स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक वेबसाइट आपको मिलेगी pixabay.com, इसके बारे में पहले भी बहुत बार मैंने बताया है आपको। सिंपल से इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे 300 प्लस आपको इंट्रो बनाने के लिए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ये जो भी अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे टेम्पलेट्स हैं, तो इनमें से किसी को भी आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अपने इंट्रो के लिए। जो भी आपको पसंद है उसको डाउनलोड करो और उसको अपने इंट्रो के लिए यूज कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे स्क्रॉल कर रहे हो आप तो आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स देखने को मिल रहे हैं, और स्क्रॉल करके जब आप एंड में जाओगे, एकदम से नीचे में जाओगे, लास्ट में जाओगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करोगे तो आप अगले पेज पे जाओगे, उस पेज पे भी आपको बहुत सारे इंट्रोज मिलेंगे। तो आपको जो भी सही लगे उस पर सिंपल से क्लिक करना है और उसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से किसी एक को डाउनलोड करता हूँ और उसी पर हम इंट्रो बना करके सारी चीज़ें करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ये पसंद आया, ठीक है, ये तो है ऐसे 11 सेकंड का, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कट कर लेंगे। इस पर मैंने टैप किया, जैसे ही टैप करेंगे तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है।
अब सिंपल से यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो वो प्ले होकर के दिखेगा कि वो जो इंट्रो है, वो जो टेम्पलेट है, वो किस तरीके से प्ले होकर के दिखेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको डाउनलोड करो, नहीं अच्छा लगा तो दूसरा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये एक इंट्रो है, इस पर सिंपल से मैंने टैप किया, टैप करने के बाद ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन रहता है फ्री डाउनलोड, सिंपल से इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो रिजोल्यूशन दिए गए हैं इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिंपल से डाउनलोड बटन पे क्लिक करना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे आप क्लिक करना, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू होगा और वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्पलेट हो गया। अब यहीं पे एक और चीज़ सीख लेते हैं हम, यहाँ पे होम पे आ गए। अब जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल है उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर आप चाहो तो बैकग्राउंड भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई चैनल है या फिर किसी का भी चैनल है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आप क्या लिखना क्रोम ब्राउज़र में, एजुकेशन बैकग्राउंड, सिंपल से कीवर्ड लिखना है एजुकेशन बैकग्राउंड और लिख करके इमेज वाले ऑप्शन पे सिंपल से एक बार क्लिक करना। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एजुकेशन से रिलेटेड बैकग्राउंड्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इनमें से जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको अच्छा लगे, उसको आप डाउनलोड कर लेना। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस इमेज को, इस बैकग्राउंड को अगर आप यूज़ करोगे तो किसी भी तरीके का कोई भी कॉपीराइट क्लेम, स्ट्राइक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये वाली इमेज मुझे अच्छी लग रही है, ठीक है, इस पर मैं अपना इंट्रो बनाना चाहता हूँ। इसको क्लिक किया, यहाँ पर अंगूठे से टैप किया, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अंगूठे से टैप करना है, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे डाउनलोड पे वो डाउनलोड हो जाएगा, ये पिक्चर डाउनलोड हो गई। मतलब कि इस तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे ना उस तरीके का इमेज डाउनलोड करना, जो भी जिस भी कैटेगरी का आपका चैनल, टेक कैटेगरी का चैनल है तो लिखेगा टेक बैकग्राउंड, कुकिंग का है तो कुकिंग बैकग्राउंड, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, और सॉन्ग्स म्यूजिक का चैनल है तो म्यूजिक बैकग्राउंड, मतलब वैसा लिख करके आपको सर्च करना है। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप क्या करोगे, जिस भी टाइप का चैनल है उसी टाइप में आकर के, जैसे हमने एजुकेशन के लिए सर्च किया तो हम लिखेंगे एजुकेशन जीप, ठीक है, एजुकेशन, उसके बाद लिखेंगे GIF, उसके बाद यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये भी जो भी है ना ये जीप फाइल है। तो जीप फाइल होते क्या है, वो थोड़े से एनिमेट होते हैं, एनिमेट होकर के दिखाई देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो आपको ना ज़्यादा उसमें मतलब कुछ ज़्यादा एडिटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, और वो ऑटोमेटिक एनिमेट होते हैं तो इसलिए बेहतर भी लगते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें एनिमेट हो रही होंगी, तो इनमें से कोई अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप डाउनलोड कर लेना अपने मतलब इंट्रो के लिए, अपने टॉपिक में। जैसे यहाँ पे पेंसिल्स भी हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, पेंसिल वाला, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद सिंपल से इस पर टाइप करना आप, डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना, यहाँ पे डाउनलोड पे वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बैक आता हूँ और बैक आने के बाद अगर आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट भी यूज कर सकते हो जिसका बैकग्राउंड ना हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट एजुकेशन जीफ, तो इसमें से भी जो अगर आपको पसंद लगे जिसका बैकग्राउंड ना हो, वो एकदम से ट्रांसपेरेंट हो, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो आपकी मर्जी। तो बहुत सारे जीप फाइल्स आपको मिल जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और उसको आप यूज कर सकते हो। जैसे मुझे ये पसंद आया तो मैंने इस पर टैप किया, यहाँ पर अंगूठे से टैप करूँगा, ठीक है, डाउनलोड इमेज पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। जितना चाहो आप डाउनलोड कर लो, और एक ही इंट्रो में मतलब दो तीन जीप फाइल भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जीप फाइल डाउनलोड करना आप सीख चुके हो, अब हम अपना इंट्रो बनाना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें चलिए हम इनशॉर्ट में करना सीखते हैं, ठीक है। इनशॉर्ट हमने खोल लिया, उसके बाद यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो भी आपको चाहिए, जैसे हमने इंट्रो डाउनलोड किया था अपना, तो हमारा इंट्रो जो मैंने अभी डाउनलोड किया था वो यहाँ पर है, तो इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैप कर दिया, अब जो मैंने इंट्रो डाउनलोड किया था वो इंट्रो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाऊँ तो हमारा जो इंट्रो जो टेम्पलेट था वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पहले क्या करेंगे, इसको इधर से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कैनवास पे क्लिक करना आप, और जो ये 16:9 का रेशियो है ना, ये वाला, ये रेशियो आपको सेलेक्ट करना है यूट्यूब के लिए, 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट करेंगे, टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँ तो ये इंट्रो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, तो ठीक है। तो सिंपल से इंट्रो बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है टाइमिंग ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो ये जो हमारा टेम्पलेट है ये 10 सेकंड का है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए मैंने 7 सेकंड का कर दिया, तो यहाँ पे 7 सेकंड आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में टाइमिंग 7 सेकंड का है, तो इसको हमने टैप किया। टैप करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे, तो यहाँ पे प्री कट का ऑप्शन है, प्री कट पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट का ऑप्शन है तो स्प्लिट पे हम करके इसको यहाँ से कट कर देंगे। हिस्से को जो बेकार का हिस्सा था इसको सिलेक्ट किया हमने, डिलीट पे क्लिक किया, वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे,
अपने चैनल का नाम लिखेंगे तो थोड़ा सा इंट्रो जैसे इतना चल जाता है बस। अब इसके बाद यहाँ पे हम अपना नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन लिखता है टेक्स्ट का, टेक्स्ट पे सिंपल से क्लिक करना और आपके चैनल का जो भी नाम हो वो आप लिख देना। जैसे मेरे चैनल का नाम है सीखो कंप्यूटर एंड टेक, सीखो कंप्यूटर एंड टेक मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर चाहो तो इसको टैप करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इतने पर रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे, जो भी फॉन्ट आपको सही लगे वो फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपके लिए, आपके वीडियो के लिए, आपके इंट्रो के लिए, जो भी फॉन्ट आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं इसमें से ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और ये ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको हमने यहाँ पर कर लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसके बगल में यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हम जिस तरीके का चाहे उस तरीके का इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे इसके पीछे जो बैकग्राउंड लगा है उसको भी हम चाहें तो हटा सकते हैं, रख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। यहाँ पे नीचे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड लग रहा है, हट जाएगा भी, तो जो आपको सही लगे। जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो सब कुछ ट्राई करना कि किस पे आपका टेक्स्ट बहुत अच्छा लग रहा है वही आप रखना। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है और यहाँ पे देखिए कलर्स हैं, जो भी मैं कलर सेलेक्ट करूँगा उस तरीके से हमारा टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है, बस स्टेप्स बता रहा हूँ, बाकी आपको खुद से सारी चीज़ें करनी होंगी और अपने लिए एक अच्छा सा इंट्रो बनाना होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने वाइट कर दिया, फिर से वाइट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर पे आएंगे, बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहो तो इस टेक्स्ट का अलग से किसी कलर का बॉर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है। रेड कलर पे क्लिक करोगे तो रेड कलर का बॉर्डर लगेगा और बॉर्डर जितना ज़्यादा चाहोगे उतना लग जाएगा, इधर स्क्रॉल करोगे तो वो उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स दिए गए, जो भी बॉर्डर आपको सही लगे उसको आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैंने रेड वाले पे क्लिक कर दिया, ये हमारा बॉर्डर रहेगा। उसके बाद शैडो का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहो तो किसी भी कलर का शैडो भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप बनाओगे ना तो उस टाइम आपको ट्राई करना है कि किस तरीके से सारी चीज़ें करोगे आप, ठीक है। उसके बगल में लेवल है, तो लेवल भी अलग अलग टाइप्स के हैं, ये वाला सिलेक्ट करूँगा तो देखिए इस तरीके का एक इसके पीछे इसका बैकग्राउंड लग गया, मतलब अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं फ्रेम टाइप्स के, तो ये वाला मुझे मस्त लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब इसको मैंने लगा लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ये जो ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये अलग अलग एनिमेशन हैं किस तरीके से हमारा टेक्स्ट लिख करके वीडियो में आएगा। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो ये इस तरीके से आएगा, इस पर टैप करूँगा तो इस तरीके से, इस पर करूँगा तो इस तरीके से। तो जो भी आपको पसंद है, जो भी अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर मैं करूँगा तो ये इस तरीके से होगा, इस पर क्लिक किया तो ये इस तरीके से आया, इस पर किया तो इस तरीके से आया, इस पर किया तो इस तरीके से आया, मतलब अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगे उसको सिलेक्ट कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देना, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है जहाँ तक हमारा टेम्पलेट होगा इस टेक्स्ट को वहाँ तक खींच करके ड्रैग करके कर देंगे, क्योंकि पूरे इंट्रो में हमारा चैनल का नाम रहना चाहिए। अब उसके बाद अगर मैं वीडियो को प्ले करूं तो इस तरीके से हमारा इंट्रो, एक तरीके से समझिए कि सिंपल इंट्रो रेडी हो चुका है, ठीक है। मैं बस स्टेप्स बता रहा हूं, बाकी आप इसको चाहो तो जितना बेहतर चाहो उतना बेहतर बना सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए तो इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, जैसे अपने चैनल का लोगो यहाँ पर लगा सकते हो, सब्सक्राइब बटन लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो, अगर आपको पसंद हो तो, मतलब ऐसा कुछ आपको करना लगता है कि ऐसा कुछ मुझे ऐड करना चाहिए तो वो इस इंट्रो में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका चैनल किसी भी कैटेगरी का है और किसी भी कैटेगरी में अगर आप इंट्रो बना रहे हो तो कोशिश करना कि वाइट कलर का ही टेक्स्ट लिखना, आप बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वाइट कलर का अगर आप टेक्स्ट रखते हो तो। इसमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एक मिलता है आपको, म्यूजिक, म्यूजिक पे क्लिक करोगे इसमें बहुत सारे म्यूजिक्स दिए रहते हैं, तो अगर आप चाहो तो अपने इंट्रो के लिए कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो उसको भी लगा लो, या फिर कोई भी जो आपका मर्जी करे वो लगा लो। जैसे ये वाला है, इस पर हमने क्लिक किया, इसमें बहुत सारे हैं तो मैं किसी पर भी क्लिक करता हूँ, ये मुझे मान लीजिए अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो यूज पर क्लिक करूँगा, वो बैकग्राउंड यहाँ पर लग गया। ये बैकग्राउंड कहाँ पे चाहिए हमें, एकदम से शुरू से चाहिए, जहाँ से हमारी वीडियो शुरू हो रही है, हमारा इंट्रो शुरू हो रहा है, वहाँ से लेके जहाँ पे ख़त्म हो रहा था, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमने कर लिया। इस पर यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद स्प्लिट पे क्लिक किया, कट गया, ये जो हिस्सा कटा हुआ है तो ये हिस्सा बेकार है, ठीक है। तो इस हिस्से को हमने इस तरीके सेलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट कर दिया, ख़त्म हो गया। अभी मैं अगर प्ले करूँगा तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हमारा इंट्रो प्ले होकर के यहाँ पे आपको दिखेगा। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है, तीसरा ऑप्शन स्टिकर का, स्टिकर पर जैसे ही क्लिक करोगे आप तो इसके अंदर स्टिकर्स मिलते हैं। यहाँ पे स्टिकर्स देखिए बहुत सारे अवेलेबल हैं, शेयर का है ये और रिकॉर्ड का है, ये इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तो अगर आप चाहो तो इनका यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये रिकॉर्ड का दे रहा है, मैंने इसको क्लिक किया,
अब इसको मैं चाहूँ तो कहीं पर लगा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर लगा दिया। अब देखिए ये इस तरीके से हमारा इंट्रो बन गया। तो ये सिंपल से स्टेप्स है। अब मान लीजिए कि जब आपका इंट्रो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करना आप, और रिजोल्यूशन 1080 रखना, फ्रेम रेट 30 ही रखना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही रखना, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे ये इस तरीके से कन्वर्टिंग वीडियो होगा 0% और वो फिर 100% पे हो करके कम्प्लीट हो जाएगा और आपका इंट्रो पूरी तरीके से बन चुका होगा। ठीक है, अब जो हमने इमेज डाउनलोड किया था उसको बैकग्राउंड में लगा के इंट्रो बनाना सीखेंगे। तो पहले हम वीडियो पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद जो भी पिक्चर्स डाउनलोड किया था वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो का सेक्शन दिख रहा होगा, उसके बगल में फोटो है, फोटो पे क्लिक करेंगे। ये बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया था, इस बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क कर दूँगा, बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया। कैनवस पर हम आएंगे, उसके बाद 16:9 वाला रेशियो हम सेलेक्ट करेंगे, आपको पता होना चाहिए, टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, 16:9 वाला रेशियो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट पर आ गए। टेक्स्ट पे आने के बाद अपने चैनल का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया उसी तरीके से जिस तरीके से उस टाइम लिखा था हमने। टेक्स्ट वगैरह कैसे एडिट करना है, उसको कैसे एनिमेट करना है, मैंने अभी आपको बताया, वो सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। अब ये चीज़ें तो हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो जिफ हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर स्टिकर पर आप क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज पर आना, उसके बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना आप, और ये पहला जिफ फाइल यहाँ पर है, इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करेंगे, इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हमारा पिक्चर जितनी दूर तक मेन ये जो बैकग्राउंड है ये हम जितनी दूर तक करेंगे उतनी दूर तक का हमारा इंट्रो बनेगा। अब ये कितना है, 3 सेकेंड है, इसको हम बढ़ा करके और कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लगभग 6 सेकेंड का कर दिया, स्टार्टिंग पे आ गए। अब मैं वीडियो को प्ले करूँ तो देखिए इस तरीके से ये जो हमने जिफाई लगाया था वो यहाँ पे घूम रहा था, ऊपर में टेक्स्ट भी था हमारा। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये टेक्स्ट एनिमेट नहीं हो रहा है, तो टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एनिमेशन वाले पे क्लिक करेंगे, और कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लेना जो भी आपको परफेक्ट लगे। मैं बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर टिक मार्क करता हूँ, और ये जो टेक्स्ट लिखा है हमने, हमारा जो इंट्रो है जहाँ तक वहाँ तक ये टेक्स्ट रहना चाहिए, इसको हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे, खींच करके उतनी दूर तक कर लेंगे। इसको भी कर सकते हैं यहाँ पे, वाह बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टार्टिंग पे हम आगे टिक मार्क कर दिया। अब मैं देखिए प्ले करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये घूम भी रहा है, एकदम से एक परफेक्ट और सिंपल इंट्रो हमारा बन करके रेडी है। ठीक है, तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करके हमारा एक 5-6 सेकंड का इंट्रो बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे, और सिंपल से आपको पता है कि यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये सारा रेशियो ऐसे ही रहेंगे, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, हमारा इंट्रो बन करके कंप्लीट हो जाएगा जब ये 100% हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने वीडियो में इसे अप्लाई कर देना है। तो अगर जो स्टेप्स मैंने अभी आपको बताए हैं इन स्टेप्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही होगी आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा इंट्रो बना लीजिए। टाइमिंग कम ही रखिएगा, 6-7 सेकंड, इससे ज़्यादा की टाइमिंग मत रखना। आप एक अच्छा सा इंट्रो बनाइए और अपने वीडियोज में नेक्स्ट टाइम से अप्लाई कीजिए। ठीक है, और अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं इसी तरीके किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।